जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस। जिस चैप्टर को हम बोलते हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडी में चैप्टर है, टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके तीन पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 4 की, जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। सर, इसमें से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या प्योर थ्योरी क्वेश्चन या फिर किसी भी तरीके का छोटा बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ की केस स्टडी थोड़ी सी बच्चों के लिए टेक्निकल होती है कि डिविडेंड डिसीजन की ये केस स्टडी किस पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछ रहा है। तो यहाँ गिने चुने आपके 10 से 11 पॉइंट है जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को। सबसे पहले हम जान लेते हैं डिविडेंड डिसीजन होता क्या है। सर, डिविडेंड डिसीजन बहुत सिंपल सा डिसीजन है कि डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर्स को जो हम रिटर्न में पैसा देते हैं, वेदर इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। हम लोग यहाँ जनरली बातें इक्विटीज़ की करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर, जिनको आप जानते होंगे कि सबसे पहले डिवेंचर को इंटरेस्ट मिलती है, फिर प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, और फिर लास्ट में इक्विटी शेयर्स आते हैं, उनको हमें डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वेदर टू डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, मतलब जो हमारी अर्निंग, हमने जो कमाई करी है सर, लाइक 1,00,000 रुपये हमने कमाई करी है, अब हमें इसको बांटना चाहिए 1,00,000 रुपये को, या सेव करके रख लेना चाहिए रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व बनाकर, या फिर 50 बांट दो 50 रख लो, 40 बांट दो 60 रख लो, 60 बांट दो 40 रख लो, ऐसा एक डिसीजन लेंगे हम लोग। डिविडेंड डिसीजन मतलब वेदर टू डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और केप्ट असाइड एज रिटेन्ड अर्निंग, मतलब हमें इसको बांटना चाहिए डिविडेंड की तरह या रिटेन्ड अर्निंग की तरह, केप्ट असाइड मतलब अपने पास रख लेना चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाकर एज जनरल रिजर्व और पीएनएल एप्रोप्रिएशन रिजर्व। सर आगे बढ़ते हैं, 11 पॉइंट्स हैं जो कि फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हम एक एक कर जानेंगे। जैसे हमने पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन के जाने थे, फिर फाइनेंसिंग डिसीजन के जाने थे, आज हम डिविडेंड डिसीजन के अगेन 10 से 11 पॉइंट जानेंगे, जिसमें एक एक पॉइंट के बाद ऐसा लगेगा हाँ डिविडेंड बांट देना चाहिए, हाँ डिविडेंड ज्यादा बांट देना चाहिए, फिर एक दूसरे पॉइंट के बाद लगेगा नहीं नहीं डिविडेंड कम बांटना चाहिए या डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। तो एक एक करके सबसे पहला डिविडेंड का पॉइंट है अर्निंग। सर, अगर आपकी अर्निंग अच्छी है तो आप डिविडेंड ज्यादा बांट दो, मतलब कमाई ज्यादा है तो खर्चा ज्यादा करो। सिंपल सी बात है, अगर कंपनी की अर्निंग मतलब प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जी सर, अर्निंग मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से सारे खर्चे माइनस हो गए हो, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इनकम टैक्स, सब माइनस कर दिया आपने, प्रेफरेंस डिविडेंड भी, लास्ट में जो भी पैसा है वो इक्विटीज के लिए, ऐसे बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इनकम स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा डिटेल में, जहां से एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो अर्निंग अगर ज्यादा है तो डिविडेंड हाई दो, अर्निंग लो है तो डिविडेंड कम दो। एक बार आप बुक से इसको रीड आउट करेंगे एनसीईआरटी से या किसी भी रिफ्रेशर बुक, पूनम गांधी, आर के सिंगला, किसी भी बुक से, तो आप इजीली इसको पॉइंट को याद रख पाएंगे और इससे केस स्टडी इजीली पहचान पाएंगे। कंपनी की अर्निंग अच्छी है दैट मीन्स कंपनी को हाई डिविडेंड बांटना चाहिए, कंपनी की अर्निंग अच्छी नहीं है तो कंपनी को कम डिविडेंड बांटना चाहिए। मतलब ज्यादा कमाई तो ज्यादा खर्चा और कम कमाई तो कम खर्चा। अर्निंग मोर हाई रेट ऑफ डिविडेंड, अर्निंग लेस लो रेट ऑफ डिविडेंड। समझ में आ रही है बात, बहुत सिंपल सी बात है। कई बार कंपनी की अर्निंग तो अच्छी है बट स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी मतलब कभी कम कभी ज्यादा, कभी ज्यादा कभी कम। तो अगर आपकी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग अच्छी है, मतलब आप इस बार भी 1,00,000 कमा रहे हो, अगली बार भी 1,20,000 कमा रहे हो, 1,50,000 कमा रहे हो, कमाते ही जा रहे हो, बढ़ती जा रही है आपकी अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है, बट आप 1,00,000 कमा रहे हो अभी, अगले साल 60,000 कमा रहे हो, फिर 90,000 कमा रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर आपकी स्टेबिलिटी स्मूथ और स्टेबल अर्निंग है, मतलब अच्छी कमाई है आपकी, तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप ज्यादा कमा रहे हो। सर, इसमें और इसमें फर्क क्या है? सर, ये एक साल की अर्निंग की बात कर रहा है सिर्फ इसकी, और ये हर साल की अर्निंग की बात कर रहा है। स्टेबिलिटी मतलब जैसा पहले था वैसा या उससे बेहतर हो, और स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल है, कभी अर्निंग ज्यादा कभी अर्निंग बिल्कुल कम, तो लो रेट ऑफ डिविडेंड दो। क्योंकि अगर आपने एक बार डिविडेंड ज्यादा दे दिया और स्टेबिलिटी नहीं रही, तो डिविडेंड बांटा जो है कंपनी बोलेगी, शेयरहोल्डर्स बोलेंगे कि यार पहले डिविडेंड ज्यादा दिया था, कम दिया है, कंपनी की लग रहा है मिट्टी खराब हो रही है। बट ऐसा नहीं है होता है, कई बार स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग वाले पॉइंट को भी आपको फैक्टर्स में डालना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है सर, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन एक ऐसा पॉइंट है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आया था, जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन में भी आया था, और जो आपके डिविडेंड डिसीजन में आया था। तीनों में अलग अलग तरीके से समझाया गया कैश फ्लो पोजीशन, क्योंकि डिविडेंड जब बांटोगे तो भाई पैसा जाएगा, यहां से यूं चला जाएगा आपका पैसा। तो कैश फ्लो पोजीशन को खास दिमाग में मद्देनजर रखते हुए हम ये डिसीजन लेते हैं कि सरप्लस इन कैश है, कंपनी पे बहुत पैसा है, बिकट पैसा है कंपनी पर, तो कंपनी पे पैसा बहुत है, हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे। कंपनी में शॉर्टेज है, पैसे की कमी है, कंपनी भीख मांगती है, मतलब कंपनी पर पैसे की कमी रहती है, लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, तो कंपनी को डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, लो रेट ऑफ डिविडेंड बांटना चाहिए। तो कैश फ्लो पोजीशन एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है यहां पर, इसको देखकर भी हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करें या नहीं करें, ज्यादा करें या कम करें,
कैश फ्लो पोजिशन अच्छी है, सरप्लस इन कैश है, बहुत है, गुड कैश फ्लोज भी बोल सकते हो आप, वहाँ पर भी पढ़ते थे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन में। तो कैश फ्लो पोजिशन अच्छी है, हाई रेट ऑफ डिविडेंड दो, शॉर्टेज है, कमी है कैश फ्लो पोजिशन में, तो डिविडेंड मत दो, नो डिविडेंड और लो रेट ऑफ डिविडेंड। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इसका क्या मतलब होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, कंपनी और बड़ा बनना चाहती है, बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है कंपनी, मतलब कंपनी पे अगर पैसा होगा तो कंपनी यहाँ लगाएगी पैसा, कंपनी किसी को एक्वायर कर लेगी, कंपनी नया प्लांट एंड मशीनरी ले आएगी, कंपनी एक और नई कंपनी खोल देगी, एक और ब्रांच खोल देगी, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है कंपनीज पर तो कंपनी को डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। क्यों क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अगर ज़्यादा है तो लो डिविडेंड, उल्टा चलेगा बेटा इसमें कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा होगा दिमाग में, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज मतलब कल और ज़्यादा ऊपर बढ़ने की, मैंने एग्जांपल दिया आपको, लाइक कंपनी नई ब्रांच खोलना चाहती है, नई प्लांट एंड मशीनरी लेना चाहती है, किसी को एक्वायर करना चाहती है, कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, नई मार्केट में एक्सपेंशन करना चाहती है, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है नए नए, तो कंपनी के पास बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इस पैसे को लोगों को शेयर होल्डर्स को देकर क्या करेगी, खुद के पास रखें, उन अपॉर्चुनिटीज़ में लगाएं, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, मोर है, तो लो डिविडेंड, मोर रिटेन्ड अर्निंग टू रीइन्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग की जरूरत है, रिटेन्ड अर्निंग वो पैसा जो बचाया है, दो ही चीज़ें, या तो अपने पास रख लो या उनको दे दो, या थोड़ा अपने पास रख लो ज़्यादा उनको दे दो, ज़्यादा अपने पास रख लो थोड़ा उनको दे दो, क्लियर है? तो मोर अपॉर्चुनिटीज होंगी ग्रोथ की, तो लो डिविडेंड कम बांटेगी कंपनी, मोर रिटेन्ड अर्निंग्स टू रीइन्वेस्ट, क्योंकि इस टाइम पर कंपनी को ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स की जरूरत है रीइन्वेस्ट करने के लिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए, लेस अपॉर्चुनिटीज है, हाई डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट है सर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में इंप्रूव्स कंपनी मेज एंड सेटिस्फाइड शेयरहोल्डर, अगर आपका डिविडेंड स्टेबल रहता है, मतलब ₹10 बांटते जाते हो तो लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ कंपनी अच्छी है और कंपनी की इमेज इंप्रूव होती है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड से, आपने इस बार बांटा 10 अगली बार 8 फिर 6 स्टेबिलिटी नहीं रही है कंपनी की तो कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। नेक्स्ट है सर प्रेफरेंस कैसी है, एक बार शेयरहोल्डर से भी पूछ लो वो क्या चाहते हैं, तो अगर ज़्यादातर शेयरहोल्डर आपके रिटायर्ड हैं घर बैठ के सिर्फ इस डिविडेंड की इनकम का इंतजार कर रहे हैं, या ज़्यादातर शेयरहोल्डर्स आपके मिडिल क्लास हैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, मतलब वो इसी डिविडेंड की इनकम पर उनकी खास नज़र रहती है, तो आपको डिविडेंड बांटना पड़ेगा ना चाहते हुए, भले ही ये कोई फैक्टर अफेक्ट करे या ना करे। तो प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर नहीं है दोस्ती, है प्रेफरेंस शेयरहोल्डर इक्विटी शेयरहोल्डर नहीं है, प्रेफरेंस ऑफ शेयरहोल्डर, शेयरहोल्डर्स की अपनी इच्छा क्या है, पहली मर्जी क्या है, वो क्या चाहते हैं, डिविडेंड चाहते हैं या डिविडेंड नहीं चाहते। तो डिविडेंड अगर लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड एंड मिडिल क्लास, अगर आपके शेयरहोल्डर में ये दो तरीके के शेयरहोल्डर है, ये वो लाइन है दोस्त जो मैंने आपकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए लिख रखी है, अगर लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड और मिडिल क्लास शेयरहोल्डर है तो आपको ज़्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे वो लोग आपसे, यंग और वेल्दी शेयरहोल्डर है, पैसे वाले शेयरहोल्डर हैं और कम उम्र वाले शेयरहोल्डर हैं, 30-35 साल वाले हैं, 25-26 साल वाले हैं, तो वो खुद ही कमाई कर रहे होंगे अपनी खूब, तो वहाँ पर शेयरहोल्डर बोलेंगे अरे यार अपने पास रखो और उसको अच्छी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में लगाओ, हमें तो कंपनी शेयर प्राइस बढ़ाकर देते, हमें वही हमारे लिए सब कुछ है, समझ में आ रही है बात है। तो प्रेफरेंस क्या है शेयरहोल्डर्स की, प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी उनकी, ये प्रेफरेंस शेयरहोल्डर बिल्कुल भी नहीं है, प्रेफरेंस क्या है शेयरहोल्डर्स की, उनका क्या मनचाहा है, उनकी पहली इच्छा क्या है। तो लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड एंड मिडिल क्लास शेयरहोल्डर होंगे तो वो चाहेंगे डिविडेंड चाहिए भैया हमें ज़्यादा से ज़्यादा, यंग और वेल्दी शेयरहोल्डर होंगे तो वो कहेंगे अपने पास रखो, सेट कीप असाइड एज रिटेन्ड अर्निंग एंड लो डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे, उन्हें कोई डिविडेंड से खास लगाव नहीं होता। तीन चार छोटे छोटे पॉइंट और रह गए जो कि ऑलमोस्ट आपके इन पॉइंट्स पर नहीं, अभी तक मैंने क्या बताया, अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कैश फ्लो पोजीशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड एज वेल एज आपका प्रेफरेंस ऑफ शेयरहोल्डर। छह पॉइंट्स में सिंपल सी बात थी, कमाई क्या होगी, वो कमाई स्टेबल है या नहीं है, कंपनी पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है, कंपनी कैश फ्लो पोजीशन बढ़िया है या नहीं है, कंपनी कि स्टेबिलिटी है या नहीं है डिविडेंड पर, और प्रेफरेंस क्या है शेयरहोल्डर्स की। नेक्स्ट है सर टैक्सेशन पॉलिसी क्या कहती है, मतलब डिविडेंड बांटने से टैक्स कटेगा और टैक्स की रेट अगर ज़्यादा होगी, हाई टैक्स रेट होगी, तो क्या कंपनी ज़्यादा डिविडेंड बांटना पसंद करेगी, तो डिविडेंड दे ऊपर से टैक्स दे, और टैक्स रेट भी ज़्यादा होगा तो डिविडेंड कम बटेगा, टैक्स रेट कम होगा तो डिविडेंड ज़्यादा बटेगा, मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सेम इसकी तरह कैश फ्लो पोजिशन अच्छी होगी ज़्यादा डिविडेंड, कैश फ्लो पोजिशन बेकार होगी कम डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी कम डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कम होंगी ज़्यादा डिविडेंड, हाई टैक्स रेट लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड, लो टैक्स रेट हाई अमाउंट ऑफ डिविडेंड, सिंपल सा पॉइंट है भाई, टैक्सेशन टैक्स ज़्यादा लग रहा है हमारे ऊपर, डिविडेंड बांटेंगे तो हमें हमसे कोई टैक्स ले लेगा, यहाँ से ऊपर से गवर्नमेंट बैठी है, मोदी जी बैठे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो कहेंगे भाई टैक्स दो हमें, अगर हमसे टैक्स ज़्यादा मांगेंगे तो हमें डिविडेंड कम देना चाहिए, और टैक्स कम मांगेंगे तो हमें डिविडेंड ज़्यादा दे देना चाहिए। नेक्स्ट कैपिटल मार्केट की कंडीशन क्या है, जो याद होगा आपको एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, मतलब
कैपिटल मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि हम इजीली सिक्योरिटीज बेच सकते हैं, अपने शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड्स को इजीली बेच सकते हैं, तो आप शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दो। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो पैसा बाहर से आ जा रहा है, फिर हमें इस रिटर्न अर्निंग की जरूरत नहीं है। बट अगर हमारी कैपिटल मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर हमें डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि हमें बाहर से पैसा मिलना नहीं है। अब हमें सिक्योरिटीज कैन इजीली सेल हो रही है तो आपको डिविडेंड दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी इजीली सेल हो ही नहीं रही, आपसे बिक ही नहीं रही है शेयर डिवेंचर्स, तो फिर आपको डिविडेंड को नहीं बांटना चाहिए, आपको इसी रिटेन अर्निंग को री इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर फर्दर ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट है सर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। कई बार कैसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी से लोन लिया है, बैंक से किसी डिवेंचर होल्डर से लोन लिया, वो ऐसा बोलता है कि भाई साहब देखो पहले मेरी इंटरेस्ट दोगे ना, डिविडेंड बाद में दोगे आप, तो इस वजह से हम उनके डिविडेंड नहीं बांट पाते। मतलब उन्होंने हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। किसने? कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, मतलब कॉन्स्टेंट मतलब होता है बाधाएं, हर्डल्स हमारी जिंदगी के, और कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं, किसी से मशीन ली है, बिल्डिंग ली है, फर्नीचर लिया है, उधार पर ले लिए हैं, किसी से लोन ले लिया आपने, उनने बोला भाई पहले हमारा पैसा देन डिविडेंड। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट सर, स्टॉक मार्केट के रिएक्शन क्या है? कई बार आपका डिविडेंड बांटने से स्टॉक मार्केट रिएक्शंस अच्छे हो जाते हैं। मतलब अरे इस कंपनी ने 8 रुपये पर शेयर का डिविडेंड बांटा है, इसका शेयर खरीद लो, मतलब कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ जाते हैं कई बार डिविडेंड बांटने की वजह से। फिर ये सब पॉइंट नहीं देख रहे, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, अर्निंग क्या है, स्टेबिलिटी क्या, कुछ नहीं, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन देख रहे हो। आपने 8 रुपये डिविडेंड बांटा कंपनी ने, तुरंत शेयर प्राइसेस बढ़ गए आपके 20-20 रुपये, 25-25 रुपये से, क्योंकि लोगों ने खरीदना शुरू स्टार्ट कर दिया आपके शेयर्स। तो स्टॉक मार्केट के रिएक्शन को भी देखते हैं कि डिविडेंड बांटने से स्टॉक मार्केट रिएक्शन अच्छा हो रहा है, मतलब तो बढ़िया बांटना चाहिए डिविडेंड, और स्टॉक मार्केट रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हमें बांटना नहीं चाहिए। लास्ट है आपका लीगल रेस्ट्रिक्शन। आप कुछ ऐसे लीगल रेस्ट्रिक्शन कंपनीज एक्ट में फंसे हुए हो कि आपको डिविडेंड बांटना है या नहीं बांटना है, ये कंपनीज एक्ट और सारे आपके फर्दर एक्ट्स बताते हैं। ये 10 से 11 पॉइंट्स हैं जिनमें से आपका डिविडेंड डिसीजन पर एक MCQ बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इनको एक बार बुक से रीड आउट कर लेना, साथ साथ मैं इसकी केस स्टडी बेस्ड भी आपको जल्दी कराने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7906786321 पर फॉर फर्दर क्वेरीज और मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द चैनल एंड वीडियोज़।